एज इज जस्ट अ नंबर, क्या आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहते हैं? आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। जी हाँ, मैं वर्षा मित्तल आपके लिए लेकर आई हूँ आज स्किन केयर का एक ऐसा ही वीडियो, क्योंकि ओरिफ्लेम ने लॉन्च किया है इस मंथ आपके लिए नोवेज की कैटेगरी का एक बहुत ही खास स्किन केयर रेंज, जो कि है हमारा नोवेज ब्रिलियंस इनफाइनाइट ल्यूमिनोसिटी। ये एक ऐसी रेंज है जो कि आपकी स्किन को देता है एक बहुत ही खास रेडियंस। नोवेज जो हमारा पहले आता था ब्राइट सबलाइन की कैटेगरी का, वो अब हो चुका है नोवेज ब्रिलियंस इनफाइनाइट ल्यूमिनोसिटी। और ये रेंज क्या खास है, क्या इसमें बेटर बेनिफिट्स हैं, ये मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पता है ना आपको क्या करना है, आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बराबर में लगा हुआ नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल को क्लिक कर देना है, सो दैट मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, क्या खास है हमारी इस नोवेज ब्रिलियंस इनफाइनाइट ल्यूमिनोसिटी रेंज में? ये कवर करता है मेजर पिगमेंटेशंस को, हाइपर पिगमेंटेशन को, जो कि होती है बहुत सारे रीजंस की वजह से, कई बार एजिंग की वजह से होती है, कई बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है, कई बार सनलाइट की वजह से होती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है। बट उसके साथ साथ ही तीन मेजर डिस्कलरेशंस को भी कवर करता है, तो इसकी वजह से ये रेंज बहुत ही खास हो जाती है। और देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों को, बिकॉज मैं भी देखती हूँ डेली, मेरे पास कुछ ऐसे कंसर्न्स आते हैं जहां पर लोग परेशान होते हैं ब्लेमिशेस की वजह से, जहां पर लोग परेशान होते हैं डिस्कलरेशंस की वजह से। और जब मैं बात कर रही हूँ तीन मेजर डिस्कलरेशंस की, जहां पर लोग रेडिश डिस्कलरेशन, येलोइश डिस्कलरेशन या फिर स्किन पर ग्रेश डिस्कलरेशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हमारी ये रेंज तीनों ही कैटेगरीज को कवर कर देती है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं मेजर स्किन प्रॉब्लम्स की, जहां पर स्किन पर छाइयां हो जाती हैं या फिर स्किन पे अलग अलग पैचेस दिखाई देने लगते हैं स्किन कलर के, वहां पर हमारी ये रेंज कैसे काम करती है? इसमें बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, प्लांट स्टेम सेल्स हैं जो आपके स्किन पर काम करते हैं। इसके अंदर है स्किन टोन रेगुलेटर टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे स्किन पर जो एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से झाइयां होती है, उनको स्विच ऑफ कर देती है। जी हाँ, ये स्विच ऑफ कर देती है एक्सेस मेलानिन के प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन होता है या हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और स्किन टोन में एक अलग सी टोन्स बन जाती है हमारे स्किन पे। कई बार हम देखते हैं हमारी स्किन कहीं से लाइट हो रही है, कई बार डार्क होती है, स्पेशली जो लिप्स के आसपास का एरिया होता है, यहाँ पर बहुत मेजर डिस्कलरेशन देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर है रिवर्ट प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारा जो आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी से होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार हम अगर ठीक से स्किन केयर नहीं कर रहे होते हैं या हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, कई बार हमारा स्किन लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, उसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, झाइयां होनी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर हमारे स्किन के ऊपर, जैसा मैंने कहा, एक अनइवन सी स्किन टोन बनने शुरू हो जाती है। तो ये जो रिवर्ट प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत ही एक इनोवेटिव प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट है, और ये ओरिफ्लेम की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो बहुत अच्छे से काम करती है और आपके इन सारे ही कंसर्न्स के ऊपर काम करके आपको देती है एक इवन स्किन टोन और एक बहुत ही रेडिएंट स्किन टोन। अब आते हैं एक और बहुत ही खास स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि है हमारी एक्वा बैंक मॉइस्चर स्ट्रैटेजी। ये क्या करती है, ये भी आपने नाम पहली बार ही सुना होगा, एक्वा बैंक मॉइस्चर स्ट्रैटेजी। यस, ये डिलीवर करती है आपके जो स्किन का मॉइस्चर होता है ना, उसको रिटेन कर लेता है, उसको लॉक कर देता है आपके स्किन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ट्रांसलूसेंट, यानी कि जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी स्किन, बहुत ही रेडिएंट स्किन आपको मिलती है। स्किन जिसको अगर मैं हिंदी में आपको एक एक्चुअल वर्ड, इसका बिल्कुल सही वर्ड आपको बताऊं, तो शीशे जैसी चमकती हुई स्किन आपको मिलती है।
ये जो पूरी की पूरी रेंज आप देख रहे हैं ये आपको देती है बिल्कुल क्लियर स्किन, जिसके ऊपर कोई झाई ना हो, कोई ब्लैमिश ना हो, कोई डार्क स्पॉट ना हो, और उसके साथ साथ एक ऐसी स्किन जो बिल्कुल एक इवन टोन में हो, जहां पर कोई भी कलर की डिस्क कलरेशन यानी कि कोई भी अलग अलग टोन्स ना हो। तो चलिए जानते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, किस तरह से काम करते हैं, ये जानते हैं हमारी आगे की और इस वीडियो में। मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि आज ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस सारे के सारे सेट आपको यूज करके भी दिखाऊंगी और आपको उसका रिजल्ट इंस्टेंटली देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने अभी कंप्लीट मेकअप किया हुआ है और किस तरह से प्रोडक्ट काम करते हैं या इसका कैसे एक इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम की रहेगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक और अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारे नोवेज के सेट्स में होता है, हमारे पास पांच प्रोडक्ट्स होते हैं सारे नोवेज के सेट्स में। सबसे पहले होता है हमारे पास इसका क्लेंजिंग जेल, आई क्रीम, सीरम एंड देन हमारा डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। यानी कि हम बात करते हैं जब स्किन केयर रूटीन की तो हम बात करते हैं चार स्टेप्स की, विच आर CEBM यानी कि क्लेंजिंग, आई क्रीम, बूस्ट मीन्स हमारा सीरम एंड देन मॉइस्चराइजेशन, यानी कि मॉइस्चराइजेशन में आती है हमारी डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। तो सबसे पहले जब मैं बात करूंगी ओरिफ्लेम के यहाँ पे नोवेज के क्लेंजिंग जेल की, सुप्रीम क्लेंजिंग जेल की, जो एक बहुत ही मेरा फेवरेट क्लेंजिंग जेल है, ये बहुत पावरफुल क्लेंजिंग जेल है और ये जो क्लेंजिंग जेल है हमारी सारी की सारी नोवेज की रेंजेस में कॉमन है। क्या खास बात है इस क्लेंजिंग जेल की? सबसे पहली चीज तो कि ये क्लेंजर एंड टोनर एक ही क्लेंजिंग जेल में है, इसके साथ आपको अलग से कोई टोनर यूज नहीं करना पड़ता। सेकेंडली ये इतना पावरफुल है कि ये आपके सारे मेकअप ट्रसेस को रिमूव करता है। यस आई मीन इट, आप जब आपने मेकअप करा हुआ होता है उसके बाद भी आपके कंप्लीट मेकअप को बहुत रिमूव कर देता है एंड स्टिल इट इज वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है और उसके साथ साथ ये आपकी स्किन की सारी इंप्योरिटीज को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड प्रोडक्ट की साइड और इसको आपको यूज कैसे करना है। आप इसको इस तरह से लेते हैं, एक पंप लेते हैं इसका जस्ट, और उससे अपने फेस को सर्कुलर मोशंस में यूज करते हुए यूज कर लेते हैं, ड्रिंक कर देते हैं वाटर के साथ, राइट। अब बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं हमारे स्टेप टू की साइड जो कि है हमारी आई क्रीम। और आई क्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्किन केयर का, क्योंकि जब भी हम एजिंग की साइड जाते हैं हमारे सबसे पहला जो इंडिकेशन आता है वो आता है हमारी आईज के ऊपर। तो आई क्रीम आपको कैसे यूज करनी होती है, आपने जस्ट एक ड्रॉप लेनी होती है अपनी इस रिंग फिंगर के ऊपर और उसको आपने यूज करना होता है अपने दोनों फिंगर्स को इस तरह से करके आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर पर। और इस आई क्रीम की खासियत क्या है, इसके ऊपर इसके अंदर है ब्राइट आई कॉम्प्लेक्स जिसमें है एंटीऑक्सीडेंट और ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है। हाइड्रेट करने के साथ साथ जो भी एनवायरनमेंट की वजह से हमारे स्किन के आसपास का जो एरिया है उसके अंदर डार्कनेस आ जाती है या डलनेस आती है उसको भी ये करेक्ट करती है। उतना ही नहीं, हमारे आईज के जो आसपास एक डार्क सर्कल्स हो जाती हैं उनको भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है, क्योंकि इसके अंदर स्किन टोन रेगुलेटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिवर्ट प्लांट स्टेम सेल्स भी हैं और डीप मॉइस्चर कॉम्प्लेक्स भी है। आते हैं अपने स्टेप थ्री की साइड जो की है हमारा सीरम, और इस सीरम के अंदर है एक्टिव सूट टेक्नोलॉजी जो कि आपकी स्किन को दिन में तो सूद करता है और रात को रिपेयर करता है आपके स्किन को। सीरम आपको हमेशा अपनी डे क्रीम और नाइट क्रीम से पहले लगाना होता है, क्योंकि आपके स्किन की डे क्रीम और नाइट क्रीम की जो एफिशिएंसी होती है उसको भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। और जो ये एक्टिव सूद टेक्नोलॉजी है ये ली गई है कैंडी ट्री से, जो कि जाना जाता है अपनी सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए। और यहाँ पे साथ साथ आपको एक टिप भी दे देती हूँ, हमेशा जब आप मेकअप करते हैं अगर आप स्किन केयर पूरा नहीं भी कर रहे हैं उस टाइम पे, जस्ट आप अपना सीरम अप्लाई कर लीजिए अपने मेकअप से पहले और उसके बाद अपना मेकअप अप्लाई करिए, इट गिव्स अ रेडिएंट ग्लो टू योर मेकअप। आते हैं हमारे स्टेप फोर की साइड जहां पर हमारे पास है हमारी डे क्रीम, और बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर है इस बार SPF 30 जो कि हमें देता है एक बहुत ही खास प्रोटेक्शन UVA एंड UVB के साथ।
क्योंकि इसके अंदर है सिटीशील टेक्नोलॉजी भी, जो कि अभी तक देखी जाती थी हमारे ऑप्टिमल्स की रेंज में, बट इस बार हमारी नोवेज की रेंज में भी सिटीशील टेक्नोलॉजी है कि जो कि क्लिनिकली प्रूवन है, जो हमें एंटी पॉल्यूशन भी देती है और हमारे स्किन को शील्ड भी करती है यूवीए और यूवीबी के फिल्टर्स के साथ, राइट। और ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। बहुत ही लाइट फॉर्मूला है, अगर मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊं तो ये बहुत ही इसका जो पंप है ये इस तरह से पंप में है, तो यूज करना भी बहुत इजी है और इसका बहुत ही लाइट फॉर्मूला है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी स्किन के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत जरा सा पंप लिया था और ये कितनी इजीली मेरी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है और कितना स्मूथ टेक्सचर दे गया। वाओ, एक रेडिएंट ग्लो आप मेरी स्किन पे इमीडिएटली देख सकते हैं इसे यूज करने के बाद, राइट। तो आप दोनों हैंड्स में डिफरेंस भी देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी लगाया है यहाँ पर, और एक बहुत ही रेडिएंट सा ग्लो मेरी स्किन पर आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे जो हमारे मल्टीपल स्किन डिस्कलरेशन होते हैं जिनकी अभी हमने बात करी थी, उनको बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है, कम करता है और हमारी स्किन को देता है एक ब्राइटर टोन, एक ब्राइटर स्किन टोन, और उसके साथ साथ जितने भी मेजर कंसर्न्स की भी मैंने बात करी थी उनको कम कर देता है और हमारी स्किन को बना देता है एक खिली हुई ग्लोइंग स्किन। तो बढ़े हम अपने नेक्स्ट स्टेप के साइड। जब हम बात करते हैं अपने स्किन केयर की, जब हम बात करते हैं स्किन केयर के स्टेप्स की, तो जो हमारा स्टेप 4 होता है दैट इज ऑलवेज मॉइस्चराइजेशन। तो दिन में जब हम यूज करते हैं वो हम करते हैं अपनी डे क्रीम और रात को हम करते हैं नाइट क्रीम यूज। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव नाइट क्रीम है जिसमें है वीटा ब्राइट टेक्नोलॉजी। और इस वीटा ब्राइट टेक्नोलॉजी में है क्या, इसके अंदर है नियासिनामाइड। ये कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट है, इसको आप चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं, जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छे से डिस्कलरेशन को दूर करने में हेल्प आउट करता है। कई बार हमने स्किन पे देखा होता है कि रेड स्किन टोन हो जाती है, येलो स्किन टोन हो जाती है और अलग अलग स्किन हमें दिखाई देती है। तो ये जो हमारी नाइट क्रीम है जब हम सोते हैं रात में तो वो हमारी जो डिस्कलरेशन होती है, जो अलग अलग स्किन कलर हमें दिखाई देता है, उसको दूर करने में हेल्प आउट करती है और हमारे को देती है एक इंटेंस मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ एक इंटेंस रिपेयर भी हमारे स्किन को। और जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें मिलती है एक बहुत ही रिफ्रेश्ड ग्लोइंग और ल्यूमिनस स्किन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था एक शीशे जैसी चमकती हुई स्किन। तो ये एक बहुत ही पावरफुल नाइट क्रीम है और ये जो हमारा सेट है, ये जो हमारा स्किन केयर रूटीन है, ये हमें देता है बहुत ही पावरफुल स्किन केयर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी देर मत करिएगा, इस स्किन केयर सेट को अपने लिए लीजिएगा, क्योंकि ये जैसा कि आप जानते हैं नोवेज की रेंजेस होती है हमारे क्लिनिकली प्रूवन रेंजेस। तो ये जो रेंज है हमारी, इस पे आपको क्लेम मिलता है कि अगर आप पूरे सेट को, एंटायर स्किन केयर के सेट को यूज करते हैं रेगुलरली दिन में 2 बार, तो आप विद इन 2 वीक्स जितनी भी मेजर डिस्कलरेशन है और हाइपर पिगमेंटेशन है उनसे आपको छुटकारा मिलता है और उन पे आपको असर देखने के लिए मिलता है, यानी कि आप विद इन 2 वीक्स में आप रिजल्ट्स को देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेट आपका ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक चलता है। तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ स्किन केयर के लिए, हम एक महंगी साड़ी लेते हैं और उसको कितने दिन तक पहनते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन जो हमारी स्किन होती है उसे हम 24/7 पहनते हैं। तो अगर आप भी अपने स्किन को कुछ इसी तरह से पहनना चाहते हैं कि जब भी आप शीशे में देखें और आप अपने स्किन से प्यार करना चाहते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर नोवेज, बिकॉज ये मेरी फेवरेट रेंजेस हैं। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं नोवेज की रेंज, तो या तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं, या फिर जिसने आपको इस वीडियो को फॉरवर्ड किया है, जिसने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप उनसे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी ऑनलाइन साइट से इन प्रोडक्ट्स को परचेज मत करिएगा, क्योंकि ऑरिफ्लेम किसी भी ऑनलाइन साइट पर इन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी हर क्वेरी को आंसर जरूर करूं।
मिलते हैं जल्दी से फिर से एक नई वीडियो के साथ। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बराबर में लगा हुआ नोटिफिकेशन बेल है उस पे ऑल को जरूर क्लिक कर दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।